50,000 रुपए 1 महीने में ही नहीं निकलेंगे, जनता परेशान है सर, कैसे देखते हैं? तो इस सरकार में देखिए परेशानियां ही परेशानियां हैं। पहले नोटबंदी हुई, फिर GST हुई, आधार, और देखिए कितना मतलब पूरे देश की जनता परेशान है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। परेशानी परेशानी, अब ओलावृष्टि हो रही है, ये सब पानी और ये फसल खराब हो रही है। अधिकारी लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, जबकि किसानों को कम से कम मुआवजा 1 एकड़ पे 2-2 लाख रुपया देना चाहिए, जबकि फसल का बीमा भी होता है, सब कुछ होता है ना, और कुछ नहीं मिल रहा है किसानों को। पूरे देश में कोरोना वायरस से कोहरा मचा हुआ है, क्या सरकार इंतजाम नहीं कर पाई या अब कर रही है, या पहले से इंतजाम करनी चाहिए सरकार को? देखिए पहले से इंतजाम होना चाहिए था, किसी भी अस्पताल में, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में कोई दवाई नहीं है, और जो भी दवाएं हैं डुप्लीकेट दवाएं हैं, तो उसकी वजह से देखिए मरीजों का बुरा हालत है, बुरी हालत है मरीजों की, और डॉक्टर हैं नहीं अस्पताल में। और किसान रहे हैं, किसान परिवार से, लगातार बारिश हो रही 2-3 दिन से, खेती सरसों की, आलू की, फिरोजाबाद में आलू की खेती हो, गेहूँ और सरसों बहुत खराब हुई है, कैसे देखते हैं सरकार के, क्या मुआवजा देना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार? देखिए इतना पानी बरसा है और ओलावृष्टि भी हुई है, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई है, गेहूँ बर्बाद हो गया है, आलू का किसान बर्बाद हो गया है, सरसों का बर्बाद हो गया, अरहर बर्बाद हो गई है, तो किसान बर्बाद हो गया है, तो सरकार को फिर इसकी मदद करना चाहिए। तो हमने कहा कि कम से कम 1 एकड़ पे 2-2 लाख रुपए किसानों को देना चाहिए। सर प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर होली मिलन समारोह कैंसिल कर दिया, आप भी होली मनाएंगे या आपका भी इस कोरोना वायरस को लेकर कुछ डर है कि आप भी होली नहीं मनाएंगे, अकेले ही घर में रहेंगे, और कई नेताओं ने ऐसा किया है? नहीं देखिए हम तो जनता के बीच रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। आज भी आए हैं, अब इस जेल में आए हैं, अब इस जेल में भी देखिए कैदियों का उत्पीड़न है, खाना ठीक नहीं मिल रहा है, और हर तरीके का उत्पीड़न है, पैसे की वसूली भी हो रही है, मुलाकात सही ढंग से हो नहीं रही है, और खाना में दाल का पानी पिलाया जा रहा है, दाना एक भी नहीं। सर कुछ और भी शिकायतें मिली, जैसे अन्य जेलों में कभी इसमें एक चरस या शराब जैसे मामले सामने आते रहे हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा सुनाई दिया? देखिए केवल उत्पीड़न, चरस गांजा के नाम पर कैसे आ जाएगा, गेट पर ही तो जाएगा, गेट से ही तो जाएगा, फिर अंदर कहाँ? जो जेल से ही होती है सर, हैं? चलती है टीवी पर, हैं? तो देखिए उत्पीड़न है पैसे के लिए, उगाही के लिए, उगाही के लिए, अब जनप्रतिनिधियों, जबकि विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, इन्हें तो पूरी सुविधा मिलती है, इनका भी उत्पीड़न होता है जेल। इस बार होली पर क्या ऐसे परिवार में भी खटपट चल रही है, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, किसके परिवार में खटपट है? नहीं जैसे आपने अलग पार्टी, हमारे तो परिवार में खटपट है नहीं, पार्टियां तो अलग है, लेकिन खटपट समारोह एक साथ दिखेंगे, अब घर तो एक ही है, हैं? अभी अलग अलग घर हुआ ही नहीं है, तो फिर जब बंटवारा जब हुआ नहीं है तो सब एक है, क्या लगता है, लेकिन पार्टी अलग है। लेकिन 2022 में क्या लगता है सर, समाजवादी पार्टी और प्रसपा एक साथ चुनाव लड़ सकती है?
देखिए हमारा प्रयास है, हम तालमेल जरूर करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी रहेगी, हमारा चुनाव चिन्ह चाबी रहेगा।